मैं सुनीता प्रजापति आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने फिर से एक न्यू ब्लॉग में। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि छोटी छोटी सी पोट में भी आप देखिए खरबूजे, तरबूज, खीरा, ककड़ी, घिया, तोरी और कद्दू उगा सकते हैं, भिलिया जैसी चकई, और जैसे मैंने उगा रखे हैं और भिंडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे सी बेल पर भी यहाँ पे हमारे लग रहे हैं। और बात कर लेते हैं, देखिए छोटे छोटे से यहाँ पर देख सकते हैं आप, बात कर लेते हैं कि हम कोई फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल करते और कोई ना ही कोई जैविक खाद, ना ही कोई रसायन, ना ही कुछ भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी बेल चल रही है। और ये कमाल है इस पाइप का, जो कि मैंने पाइप यहाँ पे गाड़ रखा है। लेकिन आपके घर पे पाइप नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके घर पे खुरपी तो होगी या फिर चिमटा वगैरह जिससे आप चूल्हे पे इस्तेमाल करते हैं, उससे खोद कर इसकी जड़ के पास में और पानी का गड्ढा भर दीजिए तो बेल आपकी बहुत बड़ी होती चली जाएगी। जितनी बेल तगड़ी और बड़ी होगी उतने ही बड़े बड़े आपके यहाँ पर घिया लगने वाले हैं, तोरी लगने वाली हैं। और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा कुछ दिखाने वाली हूँ, ठहरे रहिए, जाइए मत, रुको रुको, अभी तो आपको बहुत कुछ दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं कि फ्री के गमले एकदम लेने चाहिए हमें, लेने नहीं हैं जो आपके घर में जो पड़े रहते हैं गट्टे प्लास्टिक के, वहीं से देखिए, उसी से आप दो फसल उगा सकते हैं। एक फसल ये ख़त्म होने के बाद में दूसरी फसल आप इसमें लगा सकते हैं गट्टे में। तो देखिए मेरे सारे ही पेड़ पौधे गट्टे के गमले में हैं। और इसकी बात कर लेते हैं थर्माकोल की, जो ये पोट हैं जिसमें मैंने भिंडी और इसमें से टमाटर, इन सब में से मैंने टमाटर निकाल कर और जब मैंने इसमें खरबूजा, तरबूज और करेला, भिंडी और वहाँ पर तोरी यहाँ पे लगाई हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हमारे गट्टे के गमले में ही, देख सकते हैं कि एक गट्टे का गमला है और देखिए गट्टे के गमले में ही कितने अच्छे से यहाँ पे चल रही हैं सभी, आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी अच्छी हमारी तरबूज की बेल फैल रही है। ये स्टैंड मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया तरह से, एकदम ईजी है, ये देखिए कुछ भी कैड़ा नहीं है इसमें, हार्ड नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा समय तो लगता है। और देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं घिया तोरी हमारे खूब अच्छे लग रहे हैं। और घिया से मैंने ये बेल काट के यहाँ पे नीचे डाल दी हैं क्योंकि मुझे ये नीचे की बेल अच्छी नहीं लग रही थी, और ताकि दूसरी जो बेल हो रही हैं ये अच्छे से ग्रो कर सकें, इसलिए मैंने सूखी सूखी बेल ये हटा दी हैं दो तीन इसी बेल पे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी छोटी ये खरबूजे की बेल हैं, इन्हीं पे आप देख सकते हैं कि लग रहे हैं खरबूजे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि खरबूजे हमारे हर जगह लग रहे हैं। और गाइस नज़र मत लगा देना प्लीज़, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे हर पत्ते के नीचे खरबूजा लग रहा है। ये देख सकते हैं कि अभी हमारा ये खरबूजा 1.5 किलो का हो चुका है, लेकिन अभी इसे मैं 2-3 दिन और भी छोड़ दूंगी ऐसे ही। यहाँ पे फिर से मैंने घिया की बेल लगा दी है, ये दूसरी घिया की बेल है, दूसरी वैरायटी है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही पत्ते के पास में दो दो खरबूजे छोटे छोटे लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास सब्जियों की भी, और देखिए फल फूल भी मैं उगा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पत्ते के नीचे खरबूजा हमारा लग रहा है। और ये देख सकते हैं गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे मैंने गोभी लगाई हुई है, और अभी और भी दिखाने वाली हूँ, जाइएगा मत छोड़कर। यहाँ पर देखिए हमारा 2 किलो का ये खरबूजा हो चुका है, और ये बहुत अच्छी वैरायटी है, आप देख सकते हैं खुद ही। ये अंदर से है ना, ये गाइस लाल निकलता है, लाल वो ऑरेंज कलर का, जैसे संतरा होता है ना खाने में भी वैसा ही लगता है ये खरबूजा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गोभी है हमारी, और गोभी हमारी कितनी अच्छी हो रही है। ये सब कमाल है पानी का, और पानी मैं देती हूँ दोनों टाइम क्योंकि सब्जी सूख जाती हैं, यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा देना चाहिए, इसीलिए ये पानी का ही सारा कमाल है। ये पालक है और ये हमारा नाली वाला साग है, ये देखिए नाली चलती है इसकी, इसलिए इसे बोलते हैं नाली वाला साग। ये नाली यहाँ पर इसकी चलती है, ये देख सकते हैं। एक ही मैंने कलम लगाई थी, ये देखिए एक कलम में से ही हज़ारों हो जाती हैं, ये देख सकते हैं गाइस, देखिए ये देख सकते हैं एक कलम से ही देखिए कितना सारा साग ये हमारा उग गया है, ये देख सकते हैं, ये देखिए।
अगर गाइस मेरी इतनी मेहनत के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप मुझे एक लाइक दीजिए और सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, अपनी सिस्टर को, अपनी भाभी भाई को, अपने मदर फादर सभी को ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए। ये हल्दी है, ये तरबूज लगने स्टार्ट हो गए हैं और खरबूजा हमारा देखिए यहाँ तक भी लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये तरबूज की बेल इधर को चल रही है और तरबूज भी हमारे लग रहे हैं। और मेरे गार्डन के ही यहाँ पर छत पर ही जो मैंने पहले उगा के रखे थे टमाटर ख़त्म नहीं हुए हैं अभी, और देखिए यहाँ पे फ्लावर्स लगना चालू हो गया है। और भी मैंने टमाटर लगा के रखे हैं, जैसे कि ये पौधा है इसे मैं यहीं पे छोड़ दूँगी, थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी इसमें। और देखिए ये गट्टे में है और एकदम इसमें मैंने इस गट्टे में तीसरी फसल ली है, ये तोरी की। इससे पहले इसमें दो बार मैं टमाटर उगा चुकी हूँ और तीसरी बार ये तोरी है। देख सकते हैं कि गट्टे में कितनी अच्छी सब्जी चलती है, ये देखिए। और कोई आपके मन में सवाल चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बेल अभी साइडों को चल रही है दूसरी तोरी की, ये भी छोटे से गट्टे में है और 4 इंच की मिट्टी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और वहाँ पर भिंडी लगी हुई है, इनमें मैंने भिंडी फिर से बो दी है। भिंडी का जब बीज उग के आता है तो देखिए ऐसा लगता है देखने में, इस प्रकार का दिखता है। और भिंडी फिर हमारी काफ़ी आती हैं। ये पेड़ एक दिन पानी नहीं दिया था तो ये सूख गए थे और देखिए इस तरह से होगी थी, नहीं तो ये भिंडी में ही कन्वर्ट होते सब। तो अब भिंडी हमारी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रही हैं। यहाँ पर ये मैंने लाइन से बैंगन लगा दिए हैं, ये गट्टों में ही देख सकते हैं, कोई भी हमारा ख़रीदा हुआ गमला नहीं है, ये सब गट्टे में ही है देख सकते हैं आप। और ये देखिए 40 से 50 और 60 रुपए में मिल जाती है पोट, जो कि आप देख सकते हैं मैंने इनमें सभी में भिंडी लगा के रखी है। और यहाँ पे टमाटर पे भी फ्लावर्स आ रहा है और ये देख सकते हैं करेला भी है और यहाँ भी भिंडी है और यहाँ भी भिंडी है, यहाँ पर भी भिंडी है, यहाँ पे शिमला मिर्च की पौध है एक, और ये हल्दी है, ये घिया है और ये हमारा तरबूज है। यहाँ पर देखिए भिंडी भी है और देखिए मूली कितनी अच्छी हो रही है हमारी, बहुत तगड़ी तगड़ी मूली हो रही हैं। और मूली की बात कर लेते हैं तो गाइस मूली हमारी बहुत ही आप जो बाज़ार में मिल रही हैं बहुत महंगी मिल रही हैं। देखिए बहुत अच्छा फ्लावर्स खिल रहा है। और ये बात कर लेते हैं तो ये पोट में है ये देखिए, और फ्लावर्स के साथ में यहाँ पर मैंने हार्वेस्टिंग भी कर लिए हैं, पहले बैंगन भी लग रहे हैं देख सकते हैं, और साइड में मैंने भिंडी भी लगा दी है, ये देखिए यहाँ पे भिंडी भी लग रही है। नीचे हमारे उगरे हैं अनार के बहुत सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे, ये देखिए हमारी ये मिर्ची पे भी बहुत अच्छा फूल खिल रहा है। और यहाँ पर भी मैंने एक पेड़ लगा दिया है जो कि ये पेड़ है टमाटर का, अब यहाँ पे फिर मैंने गट्टे में मिट्टी भरी। और गट्टे का गमला कैसे बनाया जाता है, गोल राउंड कलर राउंड शेप में, तो इसे मैंने वीडियो डाल दी है आप देख सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना और मुझे कमेंट करना तो मैं दूसरी भी वीडियो डाल दूंगी आप देख लेना। यहाँ पे मैंने फिर से घिया लगा दिया है और भी मैं ऐसे ही लगाती जाऊंगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी छत पर भी मेरे बहुत सारे पेड़ पौधे हो रहे हैं, इनमें मैंने शिमला मिर्च लगाई हुई है, ये मेरा देसी बथुआ है जो कि आप देख सकते हैं, देसी बथुए का पौधा ये मैंने लगाया नहीं है, अपने आप ही उगा है, अपने आप ही कृपा हुई है इसकी मुझ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे करेले लग रहे हैं, ये देखिए काफ़ी सारे लग रहे हैं और फ्लावर्स भी आ रहा है,
ये जेड प्लांट है और केली का प्लांट मैंने ये पत्ते से ही उगाया है। और जेड प्लांट हमारा बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसका पत्ता बहुत सुंदर लगता है और इसकी औषधि भी मानी जाती है कि औषधि में भी काम आता है और इसके बहुत सारे उपाय भी होते हैं जो कि अभी मुझे कुछ पता है और कुछ नहीं पता है। एक तो कॉइन का मुझे पता है, आप मुझे कमेंट करें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप पूछना चाहते हैं कि कॉइन कैसे रखते हैं एक रुपा, यहाँ पे मैंने देखिए टमाटर लगा दिए हैं और यहाँ पे मैंने ये लगाई हुई है मेरी अरवी। अरवी के पत्ते हमारे निकलने वाले हैं जो कि बोतलों में बहुत ही सुंदर अरवी मेरी हो रही थी और मैंने फिर ये इस क्यारी में लगा दी हैं। और टमाटर के भी चार पौधे रख दिए मैंने इसमें, पाँच छः रख दिए मैंने इसमें टमाटर के पौधे। और दो पौधे देखो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं तो मुझे लग रहा है कि ये पौधा गर्मी मान रहा है और गर्मी में ये होगा नहीं, तो मैंने इसे ढक दिया है देखिए। और ये पौधा अभी खड़ा है तो इसे मैंने ढका नहीं है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी सपोर्ट दे दी है, छाएं जो इस पे छाँव रहेगी। और ये मैंने ढक दिया है। दूसरी क्यारी में जो है ये मेरे बक्से की क्यारी हैं, तो ये जो पौधे हैं इन्हें देखा जाएगा कि ये बचेंगे या नहीं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ढकना है एक थर्माकोल का, तो ये तीन पौधे हैं लाइन में, एक ये है और एक ये है एक ये है, इन तीनों को मैं ढक सकती हूँ धूप से, तो इन्हें मैं ढक के जा रही हूँ, ढक रही हूँ मैं इन्हें इस तरह से कुछ, तो ये ढके रहेंगे। इसके ऊपर कुछ शायद रखना पड़ेगा। यहाँ पर छोटा सा पत्थर रख दिया है मैंने इस तरह से, देखिए हवा नहीं तो इसे उड़ा देगी, थर्माकोल है ना, पता नहीं काय में अड़ रहा है, ये अड़ रहा है अरवी के पत्ते में। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है। और इधर के हैं चार पौधे इधर, एक टमाटर का ये रहा, एक ये रहा टमाटर का, एक वो रहा, और एक ये देखिए छाँव में ही है अभी तो, और ये अभी से ही मरने लगा है पता नहीं क्यों, ये पौधा अभी से ही गिर गया है। इसे मैं थोड़ी सी सपोर्ट दूंगी, अगर पौधा कोई गिर जाता है तो उसे खड़ा करने का ये एक तरीका है कि आप उसे इस तरह से रोक देंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त बहुत सारा को छोड़ देखने के लिए। सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए।